हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा द बाइकर। आज की वीडियो जावा की अपकमिंग बाइक एसडी रोड किंग 350 स्क्रैम्बलर और एडवेंचर के बारे में है। फाइनली दोनों ही बाइक्स का लॉन्च डेट अनाउंस हो चुका है। दोनों ही बाइक्स 13 जनवरी 2022 को इंडिया में लॉन्च हो रही है। अभी तक कई बार इसको टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया गया है। जावा के पास फिलहाल अभी इंडियन ऑटो मार्केट में टोटल 3 बाइक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला जावा, दूसरा पिराक और तीसरा जावा 42। जावा अपनी बाइक्स के लाइनअप को काफी एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। यही रीजन है कि जावा अपनी न्यू अपकमिंग बाइक स्क्रैम्बलर 350 और एडवेंचर 350 पे वर्क कर रही है, जो कि फाइनली अब इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसका मेन कंपटीशन रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और होंडा सीबी 350 आरएस से होने वाली है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या ये बाइक हंटर के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं टिक पाएगी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये बाइक कब लॉन्च हो रही है, कितना प्राइस होगा और क्या स्पेक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बाइक्स की सारी न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। एसडी रोड किंग जावा की तरफ से काफी पॉपुलर बाइक हुआ करती थी और उस टाइम पे ये बाइक टोटली मेड इन इंडिया हुआ करती थी। इस बाइक को इंडिया में फर्स्ट टाइम 1978 में लॉन्च किया गया था। एसडी रोड किंग एक टाइम पे अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक थी, बट कंपनी ने इसको 1996 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट एसडी रोड किंग को अब फिर से लॉन्च करने का मूड कंपनी ने बना लिया है। इसका मेन कंपटीशन रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और होंडा सीबी 350 आरएस से होने वाली है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या ये बाइक हंटर के सामने टिकने वाली है या नहीं टिकने वाली है। इसका लुक आपको कैफे रेसर थीम पे बेस्ड रहने वाला है। एसडी रोड किंग को टोटली नए प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है। इसमें आपको काफी अट्रैक्टिव लुक दिया गया है, जिससे कि बाइक लुकिंग वाइज काफी शानदार देखने को मिल रही है। 350 सीसी सेगमेंट के किसी भी बाइक में आपको फर्स्ट टाइम ड्यूअल एग्जॉस्ट ऑफर किया जाने वाला है, जो कि बाइक के सेल को रेस करने के लिए एक मेजर फैक्टर माना जा सकता है। एग्जॉस्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेस्ड हुआ है, जिससे कि काफी सारी लुक सामने से निकल के आ रही है। बट ये एग्जॉस्ट अभी आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट है। इसकी सीट हाइट को काफी कम रखा गया है, जिससे कि शॉर्ट राइडर्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। इस बाइक को मेनली लोगों के नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। कंपनी भी चाह रही है इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी फीचर्स ऑफर करा जाए, क्योंकि अभी देखिए तो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है। तो अगर कंपनी को अगर इस सेगमेंट में कम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं बाइक में काफी कुछ शानदार फीचर्स, एक परफेक्ट लुक और रिलायबल प्राइस टैग में इसको लॉन्च करना पड़ेगा। यही रीजन है कि कंपनी 350 सीसी में स्क्रैम्बलर का लुक दे रही है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बाइक के वाइब्रेशन को भी काफी हद तक कम किया जाएगा और हैंडलिंग भी इसमें आपको बेटर ऑफर किया जाएगा। ओवरऑल आपको मैं इस वीडियो में सिंपल बताया हूँ कि इस बाइक में क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है टेस्टिंग के क्लिप से, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको इस बाइक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस की, तो 350 सी सेगमेंट के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका प्राइस होंडा की सीबी 350 आरएस के आसपास ही देखने को मिलेगी। बाकी आप 12 जनवरी तक वेट कर लो, इसकी लाइव लॉन्चिंग आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी और क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे। तो वीडियो में खत्म करते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।